क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? अरुण ने की चोरी, क्या डॉक्टर साकेत ही है घड़ी का असली हकदार, क्या करेगा आरव घड़ी के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म मिस्टर इंडिया 2 के बारे में। अब तक आपने देखा कि कैसे रवि और अरुण उस इनविजिबल मैन को पकड़ने में कामयाब होते हैं। आरव अरुण को घड़ी वापस कर देता है, पर फिर हम देखते हैं कि आरव अपने घर पहुंचने पर अपनी जेब से एक घड़ी निकालता है, पर उसने तो घड़ी वापस कर दी थी अरुण को, तो फिर ये घड़ी वापस कैसे आई? अब आगे की कहानी। अरुण और रवि डिसाइड करते हैं कि वो अब इस घड़ी को एक सेफ जगह रखेंगे। रवि अरुण को कहता है कि उन्हें ये बैंक के लॉकर में रखवा देनी चाहिए। अरुण भी उसकी बात से एग्री करता है, पर तभी वहाँ डॉक्टर साकेत आ जाता है और रवि और अरुण को वही रोक देता है। डॉक्टर साकेत कहता है कि पुलिस होते हुए भी रवि अरुण की हेल्प कैसे कर सकता है, जिस पर अरुण और रवि दोनों हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर साकेत से अरुण कहता है, ये क्या बोल रहे हो रवि, मैं हेल्प क्यों नहीं कर सकता? जिस पर डॉक्टर साकेत कहता है, क्योंकि तुम चोर हो। ये सुनकर रवि और अरुण दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि डॉक्टर साकेत आखिर कह क्या रहा है। तब साकेत बताता है कि उन्हें जो भी समझना है वो अब उनका वकील ही बताएगा। तब एक वकील की यूनिफॉर्म में पहने एक इंसान साकेत के पीछे से आता है और रवि को एक नोटिस पेपर देते हुए कहता है कि डॉक्टर साकेत ने उस पर FIR की है, डॉक्टर साकेत के लैब से घड़ी चुराने के जुर्म में। जिस पर अरुण बताता है कि वो घड़ी असल में उसकी ही है जो उसने वहां छुपाई थी। जिस पर साकेत रिप्लाई करता है, अगर वो घड़ी तुम्हारी थी तो तुमने अपने घर में क्यों नहीं छुपाई? कोई भी इंसान अपनी इतनी कीमती चीज को किसी और के घर में क्यों छुपाएगा? असल में ये घड़ी मेरी है और मेरे पापा की है, जिसे तुम दोनों ने दिन दहाड़े मुझे गन पॉइंट पर रख कर मेरे घर से चुराई है। अरुण गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये बेबुनियाद इल्जाम है साकेत, तुम जानते हो ये घड़ी मेरे पिता की बनाई इन्वेंशन है और अब मेरी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो उस दिन क्या हुआ था, पहले तुमने गोली हम पर तानी थी, फिर ये बेबुनियाद इल्जाम हम पर लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? साकेत कहता है, बेबुनियाद इल्जाम नहीं, सच है ये, इस घड़ी पर मेरा और मेरे पिता का हक है। तुम तो ये भी नहीं जानते कि ये घड़ी काम कैसे करती है, तो भला इस पर तुम्हारा हक कैसा? ये घड़ी इसके असली हकदार को मिलनी चाहिए, यानी कि इसलिए असली कदरदान जिसको इसकी अहमियत और इसके बारे में पता हो, ना कि उसे जो इसे किसी घर के नीचे दबा के भूल जाए। रवि बताता है कि उन्हें अब ये घड़ी पुलिस में देनी ही पड़ेगी और अदालत का फैसला आने तक ये घड़ी पुलिस हिरासत में होगी। इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास घड़ी का फॉर्मूला और उस दिन की CCTV फुटेज भी है। कुछ सोचने के बाद अरुण वो घड़ी पुलिस को सौंपने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आरव अपना बैकपैक लिए घर की खिड़की से रात के अंधेरे में घर से छुपाते हुए निकलता है और घर से निकलते ही इनविजिबल वॉच को अपने कलाई पर बांध लेता है। उसका मिशन है अपने पापा को खोजना, जो कि लैब से गायब हो चुके थे और पुलिस ने इसे क्लोज एंड शट केस समझ कर बंद कर दिया था। पर आरव को अपने पिता की गुमशुदगी का पता लगाना था और यही सोचकर वो घर से निकल जाता है। क्या ढूंढ पाएगा आरव अपने पिता को? क्या अरुण खो देगा घड़ी पर से अपना हक? इस पर अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।